दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे हम कि स्क्रू कंप्रेसर किसे कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यह एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। यह 1500 HP से 800 HP तक के होते हैं। यह अपनी क्षमता और सरलता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यह अमोनिया और हालोकार्बन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग सही करता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, आउटर केसिंग। नंबर 2, मैन बेयरिंग। नंबर 3, थ्रस्ट बेयरिंग। नंबर 4, मैकेनिकल सील। नंबर 5, बैलेंस पिस्टन। नंबर 6, फीमेल रोटर। नंबर 7, मेल रोटर। तो इसके फीमेल रोटर में 6 और मेल रोटर में 4 कर्वेक्स लोबर्स होते हैं। मेल रोटर मोटर द्वारा चलाया जाता है और फीमेल रोटर को मेल रोटर चलाता है, क्योंकि दोनों आपस में मैच करते हैं। यह कंप्रेसर के एक सिरे पर लो प्रेशर वेपर प्रेशर करता है और विपरीत सिरे डिस्चार्ज होते हैं। इस प्रकार के कंप्रेसर दूसरे कंप्रेसरों की अपेक्षा लाभदायक होते हैं, क्योंकि नंबर 1, इसमें कंपन बहुत कम होता है। नंबर 2, इसकी वेलोमेट्रिक फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी होती है। नंबर 3, इसके पार्टों में घर्षण बहुत ही कम होता है, जिससे वायर व तार कम होती है, गर्म कम होता है। क्या तो दोस्तों आपको मैंने स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बताया कि स्क्रू कंप्रेसर किसे कहते हैं, कैसे काम करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।